हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू वॉल्फ्रेड चैनल। तो अभी एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है बायनेंस के ऊपर। तो इससे पहले भी बायनेंस ने हमें बहुत सारे फ्री में कॉइन्स दिए हैं जिनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा ऊपर गई है। फॉर एग्जांपल अभी हमें 2-3 दिन पहले एवो कॉइन मिला था जिसकी वैल्यू $3 ऑलरेडी चल रही है, यानी कि इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। तो अभी हमें फ्री में कॉइन्स नए जो मिलने वाले हैं वो हैं ईथर 5 के नाम से, और इसमें ऑलरेडी $2.95 बिलियन स्टेक हो चुके हैं और बायनेंस के ऊपर आपको ये टोटली फ्री में कॉइन्स मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे सब कुछ आपको बताऊंगा क्योंकि नया लॉन्च पूल आ चुका है बायनेंस के ऊपर, एंड जब भी आता है मैं आपको हमेशा अपडेट करता ही करता हूं। और वैसे भी ओवरऑल अगर हम मार्केट देखते हैं तो BTC आप देख सकते हैं कि $72,000 के आसपास चल रहा है, एक्सट्रीम ग्रीड चल रहा है जो कि 90 प्लस चल रहा है, 90 से भी ऊपर चल रहा है, जिसकी वजह से अभी जो प्राइसेस हैं लगभग सभी ऑर्डकॉइंस के बहुत अच्छा अभी हमें प्रॉफिट दे रहे हैं। एंड मैं साथ के साथ आपको अपडेट भी कर रहा हूं हमारे टेलीग्राम के ऊपर, जहां पे मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं कि कौन से कॉइन्स जो हमने बेयर मार्केट में लिए थे जिनमें प्रॉफिट बुक करने का मौका आ चुका है। तो वॉल्फ्रेड ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको हमेशा ज्वाइन करके रखें, जो आपको अपडेट्स वहां पे मिलने वाली हैं वो शायद आपको वीडियोस में नहीं मिलने वाली। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा लो ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस हमेशा पहुंचते रहें। एंड आई एम रियली सॉरी मैं पिछले कुछ दिनों में वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, लगभग एक महीना बीमार रहा, और अभी हम रिकवर हो चुके हैं एंड मार्केट भी रिकवर हो चुका है। सो लेट्स बिगिन विदाउट डिलेइंग। सो अभी हम चलते हैं बायनेंस के ऊपर। तो बायनेंस के ऊपर लॉन्च पूल आपने कैसे निकालना है शायद आप ऑलरेडी जान चुके होंगे क्योंकि इतनी बार आपको बता चुका हूं कि बायनेंस के ऊपर लॉन्च पूल आता ही आता है, जो कि हमने मिस कभी भी नहीं करना। इसके ऊपर फार्मिंग आती ही आती है, फार्मिंग करके हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिले हैं। जो बेयर मार्केट था, बेयर मार्केट में भी जब हमें कहीं से भी प्रॉफिट नहीं मिला, ये हमें जो फ्री में कॉइन्स मिले इन्होंने ही अच्छी वैल्यू दे दी थी। तो अगर आप बायनेंस के ऊपर जाते हो तो आपको इजीली लॉन्च पैड या लॉन्च पूल दिख जाएगा, वरना आप अगर सर्च भी करते हो बायनेंस खोलते ही सबसे ऊपर सर्च कर लेते हो जहां पे हम कॉइन्स को सर्च करते हैं, वहां पे अगर आप लॉन्च पैड या लॉन्च पूल सर्च करते हो तो इजीली आपको वहां पे भी मिल जाएगा, या फिर जो न्यू लिस्टिंग वाला एक ऑप्शन होता है जैसे कि ऊपर लिस्ट होती है एक हॉट की, फेवरेट की, गेनर्स, लूजर, उसी के साथ होगी न्यू लिस्टिंग। न्यू लिस्टिंग के ऊपर जब भी नई कोई भी फार्मिंग आएगी, नए लॉन्च पूल आएगा, वहां पे आपको दिख ही रहा होगा। तो अभी ईथ 5 का ये नया प्रोजेक्ट आया है, तो लॉन्च पूल में कैसे पार्टिसिपेट करना है उससे पहले हम देख लेते हैं इनकी वेबसाइट जो है ether.fi, यानी कि इनका वैसे देखा जाए तो डोमेन भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़ा डोमेन है, एंड आई थिंक इन्होंने बहुत पहले ले लिया था। यही कारण है कि इनके ऊपर जो टोटल वैल्यू स्टेक्ड है ये लगभग $3 बिलियन के आसपास पहुंच चुके हैं। इतनी बड़ी वैल्यू इसमें जो कि 756,000 इथेरियम इसमें ऑलरेडी स्टेक्ड हैं। तो इनके ऊपर 3.85% जो कि लगभग 4% APR बनता है, तो इतना ही APR दे रहे हैं, और जो भी इथेरियम स्टेक होते हैं उनके ऊपर जो रिवॉर्ड बनते हैं रिवॉर्ड्स के ऊपर भी अपने अलग से रिवॉर्ड्स दे रहे हैं। तो रीस्टेकिंग रिवॉर्ड्स, एन लेयर पॉइंट्स, इसी के साथ ईथरफाई के लॉयल्टी पॉइंट्स, तो बहुत सारे पॉइंट्स ये दे रहे हैं। ये प्रोसेस भी देख सकते हैं जो कि इनका खुद का है, जो कि ईथर 5 का है, जिसके ऊपर हम इथेरियम स्टे करते हैं हमें ईथ हमें रिसीव हो जाते हैं, फिर उसके बाद नेटिवली रीस्टेक किए जाते हैं, फिर उसके ऊपर रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। तो ईथर 5 का जो एक्चुअल में काम है वो भी यही है कि टोटली डिसेंट्रलाइज्ड वे में ये एक फाइनेंस बनाया गया है जिसके ऊपर हमें अर्निंग्स मिलती हैं, यानी कि स्टे करके अर्निंग्स मिलती हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट आया बायनेंस के ऊपर, तो बायनेंस के ऊपर इसकी लिस्टिंग होने वाली है। लिस्टिंग से पहले क्या है कि यहाँ पे लगभग 3-4 दिन का लॉन्च पूल है, तो अभी जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है बायनेंस के ऊपर तो वो 3-4 दिन का या 7 दिनों का इतना ही होता है, बहुत कम दिनों का होता है। लेकिन जो कॉइन्स मिलते हैं चाहे वो कम मिले या चाहे ज़्यादा मिले, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है। अब ईथ 5 यहाँ पे जो टोटल पूल रिवॉर्ड है ये लगभग 4 मिलियन ईथ 5 का है। इसी के साथ अगर हम देखते हैं BNB पूल रिवॉर्ड का, यहाँ पे 16 मिलियन ईथ 5 हैं, तो इतना ज़्यादा रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे 2 पूल हैं BNB का और FTST का। अपने जितने भी BNBs पड़े हैं, कहीं भी पड़े हैं, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर पड़े हैं, उनको लाओ अपने बायनेंस के ऊपर और यहाँ पे स्टे कर दो, BNB पूल में स्टे कर दो। और जो भी आपके स्टेबल कॉइन्स पड़े हैं किसी भी फॉर्म में पड़े हैं, USDT में पड़े हैं, USDC में पड़े हैं, किसी भी स्टेबल कॉइन में पड़े हैं, उसको FTST में कन्वर्ट करके यहाँ पे FTST पूल में लगा दो। तो जितनी जल्दी लगाओगे उतनी ही जल्दी आपके यहाँ पे ईथ 5 बनने शुरू हो जाएंगे। करंटली अगर मैं अपने देखता हूँ तो यहाँ पे मेरा 1.6 ईथ 5 बन चुके हैं जो कि BNB पूल के हैं। इसी के साथ अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो FTST पूल के, यहाँ पे 1.8 ईथ 5 बन चुके हैं। तो इस तरीके से मेरा जो रिवॉर्ड है लगातार बढ़ता जा रहा है। एंड अभी 3 दिन का समय बाकी है, आप देख सकते हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 3 दिन और 8 घंटे का समय बाकी है। तो जितनी जल्दी हो सके स्टे करो, स्टे करके आपके जो रिवॉर्ड्स बन रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड्स को इकट्ठा करो, क्योंकि यही रिवॉर्ड्स जो आपको मिलने वाले हैं, ये जो आपके कॉइन्स हैं डायरेक्टली आपके वॉलेट में चले जाएंगे, यानी कि बायनेंस का जो स्पॉट वॉलेट है उसमें चले जाएंगे, और लिस्टिंग होते ही यहाँ पे आप सेल भी कर पाओगे। अब एक नया ट्रेंड आया है जो आपको बताना चाहता हूँ। लास्ट टाइम जो एवो का प्रोजेक्ट आया था, ये आप देख सकते हैं एवो की वैल्यू $3 के आसपास चल रही है, बहुत ज़्यादा ऊपर वैल्यूज की गई है।
तो एवो का प्रोजेक्ट जो आया था, और इससे पहले भी कई प्रोजेक्ट्स आए थे, जब भी ऐसे लॉन्च पूल्स आए हैं, लॉन्च पूल्स में हमें जो रिवॉर्ड्स मिले हैं वो कॉइंस हमें मिल चुके हैं और उनके फ्यूचर्स की लिस्टिंग पहले हो जाती है। यानी कि एवो की फ्यूचर्स में लिस्टिंग पहले हो गई थी, जिससे क्या कि हम इजिली प्रॉफिट बना पा रहे थे एवो से ही, बिना स्पॉट के हम फ्यूचर्स में डायरेक्टली प्रॉफिट्स बना रहे थे। और इसकी जो स्पॉट में लिस्टिंग हुई है, स्पॉट में लिस्टिंग बाद में हुई है, यही कारण है फ्यूचर्स में आने की वजह से इसकी हाइप ज़्यादा बन गई और स्पॉट में हमें ये वैल्यू इसकी $3 के आसपास मिली है। तो अभी इस बार भी मुझे उम्मीद लग रही है कि जो ETH5 भी पहले फ्यूचर्स में जा सकता है। तो जितने ज़्यादा कॉइंस आपको पहले मिल जाते हैं, उन्हीं कॉइंस को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो कि इसकी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हो, और जैसे इसकी स्पॉट में लिस्टिंग होगी तो स्पॉट में लिस्टिंग होते ही आप इसको बाय या सेल कर सकते हो, या फिर आप सोच सकते हैं कि आपने 70% 80% या फिर 100% अपने जितने भी कॉइन्स बनते हैं उनको आपने सेल करना है, तो सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो इसके 2-3 फायदे हैं, जितने ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट्स बनेंगे उनको आप वापस USD या फिर FDST में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर BNB में कन्वर्ट कर सकते हो। जितने ज़्यादा अमाउंट में पड़ा होगा BNB FDST उसको आप नेक्स्ट लॉन्च पूल में आप लगा सकते हो। तो Binance के ऊपर क्या कि बार बार प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, बार बार जब भी प्रोजेक्ट आते हैं तो उसमें स्टेक ज़रूर करो। कभी पता नहीं, कभी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, कई बार कम प्रॉफिट मिलता है। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे कि एयर ड्रॉप होता है, एयर ड्रॉप में कभी तो अच्छा एयर ड्रॉप मिल जाता है, कई बार अच्छा नहीं मिलता। तो यहाँ पे कॉइंट्स मिल ही रहे हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन ऐसा मान लो कि फ्री में कॉइंट्स मिल रहे हैं, कम वैल्यू है तो उनको वैसे पड़ा रहने दो, अच्छी वैल्यू मिल रही है तो उसको सेल कर दो। वरना एक स्ट्रेटजी हमेशा अपनाओ, कुछ परसेंटेज आप सेल कर दो, कुछ परसेंटेज अपने पास रखो, क्योंकि आने वाले समय में अभी आप मार्केट देख पा रहे हो कि ऑलरेडी BTC $72,000 के आसपास चल रहा है, ये कोई पता नहीं कब $1,00,000 को भी क्रॉस कर जाए, तो उससे क्या है कि सारे ऑल्टकॉइन्स अच्छा परफॉर्म करने ही वाले हैं। एंड इसकी एग्जांपल आप सामने एवो को देख सकते हैं, मोस्ट ट्रेंडिंग में एवो कॉइन चल रहा है, जो कि अभी बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ था, जिसका लॉन्च पूल भी था। अब आखिरी डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ, डाउट्स यही होंगे आपके कि यहाँ पे स्टेक कैसे करना है। तो स्टेक आपने जितना अमाउंट पड़ा है स्टेक के ऊपर जाओगे, आप अपनी मर्जी है कि जितना पड़ा है उतना स्टेक कर दो, चाहे परसेंट कुछ कम आप स्टेक कर दो। स्टेक करने के बाद क्या कि आपने रिडीम करने अपने जो रिवॉर्ड्स हैं, आपके रिवॉर्ड्स यहाँ पे बनते रहेंगे, आपने क्लेम रिवॉर्ड्स के ऊपर क्लिक करते जाना है, आपके रिवॉर्ड्स आपके स्पॉट वॉलेट में चले जाएंगे। एंड वन मोर थिंग कि इसके बाद आपका क्या कि अगर ज़रूरत पड़ती है आपने FDST या BNB निकालने हैं, तो ये निकालने तो आप कभी भी अपने अमाउंट को रिडीम कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आपका ये अमाउंट लॉक होने वाला है, लॉक नहीं होगा, यही सबसे बड़ा फायदा है बाइनेंस की लॉन्च पूल का। कभी भी इसको निकाल लो, कभी भी इसको फार्मिंग में लगा दो, चाहे कभी भी इसको स्पॉट में ले जाओ, चाहे फ्यूचर्स में ले जाओ, आपका अमाउंट आपके हाथ में ही है। तो ओवरऑल जो ETH5 प्रोजेक्ट है, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट लग रहा है, क्योंकि इसमें जो स्टेकिंग ऑलरेडी इतने $1 बिलियन की ऑलरेडी पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट स्ट्रांग ही होता जा रहा है। एंड ये एक बड़ा कारण इसका यही है कि क्यों हमें अमाउंट कम मिल रहा है, यानी कि ETH5 हमने यहाँ पे जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, यहाँ पे रिवॉर्ड्स का जो अमाउंट है बहुत कम मिल रहा है। जब भी कोई कॉइन ऐसा होता है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हमें कम ही मिलते हैं, चाहे कितना भी बड़ा अमाउंट स्टेक क्यों ना कर दो, बड़ा अमाउंट स्टेक करने पर भी थोड़ा थोड़ा रिवॉर्ड ही मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि ETH5 की वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है। तो आपका क्या मानना है लॉन्च पूल के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में, नीचे कमेंट जरूर करो। कोई भी डाउट है लॉन्च पूल के बारे में, बाइनेंस के बारे में, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, नीचे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर जरूर करूंगा। अभी हमारे जो वीडियोस हैं रेगुलर आते रहेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगली बार नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।